जय माता दी। वेलकम बैक टू सोनिका किचन। आपको बहुत इजी तरीके से एग कड़ी की रेसिपी बताई है। रेस्टोरेंट एग कड़ी बनाने के लिए ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं बड़े साइज के, 4 प्याज लिए थे मीडियम साइज के जिसे मैंने लंबे स्लाइस में काट लिया है, ये मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है और थोड़ा सा ये मैंने अदरक लिया है, थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है और ये मैंने 1 जायफल लिया है जिसे मैंने अच्छे से कूट लिया है, थोड़े से साबुत खड़े मसाले लिए हैं, हरी इलायची, काली साबुत इलायची, 5-6 लौंगे और 12-13 जो है साबुत काली मिर्च ली है मैंने। ये मैंने धनिया की डंडियां ली हैं जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती हैं। देखिए मसाला पीसने के लिए हमने मिक्सी ली है और उसमें सबसे पहले हम प्याज डाल देंगे, जो लहसुन अदरक था उसे ऐड कर देंगे, थोड़े खड़े मसाले थे उसे ऐड कर देंगे, जो 1 जायफल लिया था उसे ऐड कर देंगे और ये जो धनिया की डंडियां ली थी उसे ऐड कर देंगे जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी, जो थोड़ा धनिया था उसे ऐड कर देंगे और इसमें 2 हरी मिर्चें रह गई थी ऐड करना उसे भी ऐड कर देंगे। इस मसाले को जो है हम थोड़ा पानी डाल के पीस लेंगे और जो 2 टमाटर थे बड़े उनकी हम बाद में प्यूरी बनाएंगे। कि हमने मसाला पीस लिया है, अब टमाटर की प्यूरी तैयार कर लेते हैं। कि ये जो 2 टमाटर थे उसे भी हमने पीस लिया है। देखिए ये मैंने 5 अंडे लिए हैं जिन्हें मैंने जो है उबाल लिया था, अब इसको क्या करेंगे बीच में से कट लगा देंगे, चारों तरफ से इसको जो है हम कट लगा देंगे जिससे जो मसाला है अंडों के अंदर तक चला जाए। तो ऐसे ही अब हम हर अंडे पर कट लगाएंगे। अब इन अंडों को हम शैलो फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए मीडियम फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रखी है, उसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल देंगे, आप जोन सा भी ऑयल यूज करते हैं वही ऑयल डालिएगा, चाहे तो इसे मस्टर्ड ऑयल से भी बना सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जब ऑयल जो है गरम हो जाए तभी आप इसमें एग डालिएगा, ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो अंडा जो है नीचे से चिपक जाएगा, यानी बर्तन के तले से चिपक जाएगा, इसलिए इसे गरम ऑयल में ही डालिएगा। तो ये देखिए इसमें अब हम एक एक करके अंडा डाल देंगे, अब इसको हल्के हल्के शैलो फ्राई कर देंगे। फ्लेम को आप थोड़ा लो ही रखेंगे, जब हम अंडा डालते हैं अंदर तो फ्लेम को आप लो ही रखिएगा। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ी सी देगी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जो है आप थोड़ा ही डालिएगा क्योंकि नमक जो है हमें आगे ग्रेवी में भी डालना है, और इसको हिला देंगे। तो ये देखिए एग का कलर कितना बढ़िया है, एकदम ब्राउन कलर। अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे क्योंकि हमें इसे 1 मिनट तक ही पकाना है, जब तक एग का कलर जो है थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए एग का कलर जो है आप देख रहे होंगे चेंज हो गया है हल्का हल्का। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अंडों को हम एक एक करके एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। ये देखिए अंडे जो है सारे मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। आप ये ध्यान रखिएगा पहले हम एग जो है फ्राई करके निकाल लेंगे। देखिए अंडों को मैंने निकाल लिया है, अब हम उसी ऑयल में जो है पूरी सब्जी बनाएंगे। तो ये देखिए जो मसाला पीसा था उसे ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे। मसाले को जो है हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे, चाहे आप लो फ्लेम रखिए चाहे आप मीडियम फ्लेम करिए। तो अब हम इसे अच्छे से मसाले को भून लेंगे और बहुत ही टेस्टी एग कड़ी बनती है। तो ये देखिए ये मैंने आधा बॉल जो है दही का लिया है, 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। हम दही में ही सारे मसाले ऐड करके इसको प्याज के मसाले में ऐड करेंगे। 1 टीस्पून देगी मिर्च ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 2 टीस्पून इसमें सूखा धनिया ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून और धनिया ऐड कर देंगे क्योंकि मुझे कम लग रहा था थोड़ा, 1 टीस्पून इसमें भुना जीरा ऐड कर देंगे जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। दही में मसाले हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि सारे मसाले ना दही में अच्छे से फूल जाते हैं और टेस्ट भी जो है सब्जी का अच्छा आता है। तो इसे हम अच्छे से मैश कर देंगे। ये मसाले दही में आप अपने स्वाद के अनुसार ही ऐड करिएगा, आप तीखा कम या ज़्यादा खाते हैं उसके अनुसार ही आप ऐड करिएगा। तो ये देखिए दही में जो है हमने सारे मसाले जो है अच्छे से मैश कर लिए हैं, एकदम ऐसा नहीं लगता तब तक मसाला आप भूनते रहिए, जब हम भूनेंगे अच्छा तभी सब्जी जो है अच्छी बनेगी। तो ये देखिए मसाला जो है अच्छे से भून गया है, अब इसमें टमाटर प्यूरी ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से अब हम मिक्स कर देंगे।
एक मिनट अच्छे से मैंने इसे मसाले को भून लिया है। अब इसमें दही ऐड कर देंगे जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। और ये देखिए उसी कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, उसे ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब इस ग्रेवी को हम तब तक पकाएंगे जब तक ग्रेवी जो है अपना ऑयल नहीं छोड़ देती। ग्रेवी ने अपना ऑयल जो है साइडों पे छोड़ दिया है, यानी इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक गई है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी आप ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपने ग्रेवी खानी हो, ठीक या पतली, उस अकॉर्डिंग ही आप पानी इसमें ऐड करिएगा। यदि आपको पतली ग्रेवी खानी है थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर दिया, और यदि थिक खानी है थोड़ी सी तो पानी थोड़ा कम ऐड किया। तो ये देखिए अभी इसमें मैं थोड़ा पानी और ऐड कर देती हूँ। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इस स्टेज पर हम इसमें बॉयल्ड अंडे डाल देंगे जो हमने शैलो फ्राई किए थे। अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और ग्रेवी को अच्छे से पका लेंगे। इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। तो ग्रेवी को अभी मैंने चेक किया था, इसमें थोड़ा नमक कम था, इसमें नमक ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। मसाला हम लोग ज़्यादा खाते नहीं है इसलिए मैंने गरम मसाला नहीं ऐड किया है। आप मटन मसाला या चिकन मसाला या गरम मसाला जो चाहें आप इसमें ऑप्शनल है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उतना ही फ्लेवर जो है इसका ज़्यादा स्वाद आएगा। ग्रेवी को हम लो फ्लेम पर 5 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए एग कड़ी एकदम रेडी हो गई है। अब इस स्टेज पर जो है हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, उसके बाद इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो एक कड़ी होगी रेडी, अब इसे गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। आपको बहुत इजी तरीके से एक कड़ी की रेसिपी बताई है। यदि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो जरूर लाइक व सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।